परिजनों का जो बलिदान वो व्यर्थ नहीं जाएगा। नमस्कार, मैं हूं अमन शुक्ला, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। छत्तीसगढ़ के बीजापुर और सुकमा जिले की सरहद पर सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ से शहीद जवानों को निकाल लिया गया, लेकिन कोबरा बटालियन के एक जवान रामेश्वर सिंह मनहास अभी भी लापता है। बीजापुर SP कमल लोचन ने इस जवान की लोकेशन नहीं मिलने की बात कही थी। इसी बीच नक्सलियों ने दावा किया है कि लापता जवान उनके कब्जे में है और सुरक्षित है। नक्सलियों के इस दावे के बाद जवान की पत्नी मीनू मनहास का बयान सामने आया है। जवान की पत्नी मीनू मनहास ने PM मोदी से अपील करते हुए कहा है कि मेरे पति को वापस मंगा लो, अगर वो सुरक्षित है तो उन्हें वापस ला दो, जैसे अभिनंदन को पाकिस्तान से वापस लाया था वैसे ही मेरे पति को वापस ला दो। आइए आपको सुनाते हैं कि जवान की पत्नी ने PM मोदी से क्या मांग की है। ये अपील है मोदी साहब से और अमित शाह से कि उनको वापस मंगवा लो, वो जहाँ भी है उनकी कोई इन्फॉर्मेशन मिले उनको मंगवा लो वापस, मेरी हमसे यही अपील आपसे। आपको बता दें कि बीते शनिवार को छत्तीसगढ़ के बीजापुर में शनिवार को ही मुठभेड़ में 23 जवान शहीद हो गए, जबकि 31 जवान घायल हुए हैं। इनमें 7 जवानों को राजधानी रायपुर में जबकि 23 जवानों को बीजापुर में इलाज के लिए भर्ती किया गया है। शहीद जवानों में DRG के 8, STF के 6 और कोबरा बटालियन के 7 जवान और बस्तर बटालियन के जवान शामिल है। बीजापुर के संबंध में जानकारी देते हुए IG ने बताया कि इस मुठभेड़ में 12 से अधिक नक्सली मारे गए हैं जबकि 16 नक्सली घायल हुए हैं। पुलिस को मिली जानकारी के मुताबिक नक्सली 3 ट्रैक्टरों में अपने साथियों के शव और घायल नक्सलियों को साथ ले गए हैं। वहीं पुलिस ने सर्चिंग के दौरान एक महिला नक्सली के शव को भी बरामद किया है, जिसकी पहचान LGS कमांडर माडवी के रूप में की गई है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर गृह मंत्री ने साफ कह दिया है कि हमारे जवानों की शहादत बेकार नहीं जाएगी और नक्सलियों को उनके किए की सजा जल्द से जल्द मिलेगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। खबर को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहे वीके न्यूज़। धन्यवाद।